हेलो, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकारी मोड में आपका स्वागत है, खुशामदीद है। तो इस वीडियो में जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है 10th का, उसके आई सेट का आंसर की लेकर आपके लिए हाजिर हैं। और इसमें 100 के 100 ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है? इसमें एक भी सवाल नहीं छूटा है, ठीक है? अच्छे से और 100% सही मिला लीजिए। तो शुरू करते हैं वीडियो, और उम्मीद है कि आपका पेपर अच्छा गया होगा, क्योंकि 50 ऑब्जेक्टिव बनाना था 100 में से, तो बेहतर गया होगा, ठीक है? पहला सवाल है कि k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण का मूल समान होगा। ये समीकरण आपको दिया है, तो 1 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ±4। देखिए, इसमें मैं जल्दी जल्दी मिला ले रहा हूँ, सॉल्यूशन हम लोग जिसमें होगा थोड़ा सा कर लेंगे, नहीं तो जल्दी जल्दी ऑप्शन मिला लेंगे, क्योंकि कल फिर आपका साइंस का भी पेपर है, तो साइंस का पेपर भी आपको देना है अच्छे से, ठीक है? दूसरा है, यदि x - y = 6 और ये दिया हुआ है, तो xy का मान क्या होगा? 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, -3। और सेट आई है, हम लोग सेट आई कर रहे हैं। आपके पास कोई भी सेट हो तो आप आसानी से 10-10 क्वेश्चन का सेट है, आराम से 10 क्वेश्चन एक जगह से मिला के ऐसे मिलाते चलिएगा, ठीक है? तीसरा नंबर है, द्विघात समीकरण y² + 3y - 18 = 0 के मूल होंगे, तो 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, -6, 3। चार नंबर है, द्विघात समीकरण ये दिया है मूलों की प्रकृति होगी, तो इसका सी हो जाएगा, अवास्तविक, 4 का सी। पाँच नंबर है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है? देखिए, 5 का समांतर श्रेणी में जो है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, ये √2 है आपका, इसको जब तोड़ेंगे तो ये 2√2 हो जाएगा, और इसको जब तोड़ेंगे तो 3√2 हो जाएगा आपका। तो इस तरह सब में √2 का अंतर आते जाएगा, ठीक है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 6 नंबर, किसी समांतर श्रेणी का n-वां पद 5 - 3n हो, तो इसका सर्वांतर होगा, डी बताना है आपका। 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, -3। 7 नंबर है, ये आपको दिया है, तो कौन सा पद शून्य होगा? शून्य कौन सा होगा? तो आपका 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8वां पद। 8 नंबर है, समांतर श्रेणी का चौथा पद क्या होगा? इसका चौथा पद बताना है आपको, तो 8 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, √112। 9 नंबर देखिए, यदि 2/3 a² किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हो, तो a का मान बताना है आपको, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4/3। 10 नंबर है, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a, सर्वांतर d हो, तो इस प्रथम n पदों का योगफल होगा, तो फॉर्मूला ही है आपका, तो क्या होता है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये फॉर्मूला है SN वाला, ठीक है? n/2 2a + n-1 × d, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10 का। अगला सवाल है 11 नंबर, यदि किसी परम्वर्ता सारणी का माध्य 27 एवं माध्यिका 33 हो, तो बहुलक होगा। 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 45। 12 नंबर है, असंभव घटना की प्रायिकता, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 0, जिसकी कोई घटना ही नहीं है तो उसकी प्राय, मतलब कोई असंभव घटना है तो उसकी प्रायिकता 0 होगी, ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर है, यदि P किसी घटना की प्रायिकता हो, तो निम्नलिखित में कौन सही होगा? तो आपको पता है कि घटना जो होगा 0 से 1 के बीच में होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14 नंबर है, यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता 0.6 हो, तो उसे हारने की प्रायिकता क्या होगी? तो हारने की प्रायिकता क्या होगी, 1 में से माइनस कर देंगे 0.4, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, 0.6। 15 नंबर है, 2 सिक्कों की युगपत उछाल में एक ही शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी? 2 सिक्कों को उछाला जा रहा है, तो या तो हेड हेड आएगा, हेड टेल आएगा, या फिर टेल टेल आएगा, या फिर टेल हेड आएगा, तो क्या होगा? कह रहा है कि शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता, तो इसमें भी शीर्ष है, इसमें भी शीर्ष है, इसमें भी, तो यानी 1/4 हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, 15 का। अगला सवाल है 16 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो कौन सी नहीं हो सकती है? तो देखिए, ये आपका 1 से ज़्यादा है ना, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो 1 से ज़्यादा है। 17 है, अंतः स्पर्श करने वाली दो वृत्तों की कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो अंतः स्पर्श करने वाली 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1। 18 नंबर है, इसका यदि x² + 1/x² = 14 हो, तो इसका मान क्या होगा? तो 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4। 19 नंबर है, समांतर श्रेणी में है, इसके प्रथम 11 पदों का योगफल बताना है आपको, तो 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 242। 20 नंबर है, किसी अर्ध गोले की त्रिज्या r हो, तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है, तो ये फॉर्मूला ही होता है 20 का, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3π r², अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, तो 3π r²
21 है बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक मध्य बिंदु वाले से फॉर्मूला से लगा देंगे, ठीक है। तो ये जब बनाएंगे इसको तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0 0। 22 नंबर है किसी त्रिभुज के केंद्रक और उसके दो शीर्ष हो तो तीसरा शीर्ष निकालना है आपको, यानी त्रिभुज का केंद्रक पता है और दो शीर्ष पता है, तीसरा शीर्ष निकालना है। तो 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6 1। 22 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है 23 नंबर, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ये हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो ये क्षेत्रफल वाले फॉर्मूला से आपको निकाल लेना था। 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2। अगला सवाल है 24 नंबर, बिंदुओं के बीच की दूरी बतानी है तो दूरी सूत्र लगाना था आपका। 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4√2 इकाई। 25 नंबर है दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड एम और एन अनुपात में हो तो अंतर विभाजित करने पर उनका निर्देशांक क्या होगा। तो 25 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है mx2+nx1/m+n ऐसे y के लिए भी। 26 नंबर है यदि किसी शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल इतना हो तो त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो उसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, यानी एल निकालना है आपको। तो इसका 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। 27 नंबर है समान ऊंचाई वाले दो बिंदुओं के आयतनों का अनुपात इतना है तो उनके वक्रपृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है आपको। 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3:4। 28 नंबर देखिए, 28 से एक शंकु के पूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 मीटर स्क्वायर है, उसकी त्रिज्या ऊंचाई शंकु और इधर कुछ कट गया है, ठीक है, और त्रिज्या की दोगुनी हो तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29 नंबर देखिए, दो गोले का आयतनों का अनुपात इतना है तो उनके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे आपको आयतन का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4:9। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले का व्यास डी निकालना है गोले का। तो 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। 30 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है 31 नंबर, यदि बहुपद हो ये दिया है तो अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा। तो ये आपको मान बताना था। तो 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा -1/2। 32 नंबर है यदि बहुपद के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा +1 × β+1 का मान बताना है आपको। तो 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा -4। 33 नंबर है यदि बहुपद ये हो तो शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम में q का मान होगा, तो व्युत्क्रम में क्या हो जाएगा आपका। 33 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा -1। 34 नंबर है निम्नलिखित में से एक कौन एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्य -2 और 6 हैं, तो कौन सा होगा। 34 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 35 नंबर है रैखिक समीकरण दिया है इसके कितने हल होंगे, तो कितने हल होंगे। 35 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। 36 नंबर है k के किस मान के लिए ये समीकरण दिया हुआ है का एक अद्वितीय हल होगा। तो 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, k ≠ 6। 37 नंबर है दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समांतर रेखाएं हो तो हलों की संख्या क्या होगी, तो क्या होगी। 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0। 38 नंबर है y-4 = 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, तो y-4 यानी y = 4 हो गया आपका। तो क्या होगा इसका, 38 का सही आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए xx के समांतर। 39 नंबर है यदि 2xy और ये दिया है तो इसमें आपको बताना है x और y की वैल्यू। 39 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, x = -2y = 5। 40 नंबर है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो देखिए द्विघात समीकरण कौन नहीं होगा, स्क्वायर में है तो ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका। इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी स्क्वायर ये कट जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 40 का सी सही हो जाएगा। 41 नंबर है y अक्ष का समीकरण क्या होगा, तो y अक्ष का समीकरण क्या होगा, x = 0। 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, x = 0। 42 नंबर है दो घनों के आयतनों का अनुपात इतना है तो उनके कुल पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। 42 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1:9। 43 नंबर है एक गोला जिसकी त्रिज्या 2r है उसका आयतन होगा, तो क्या होगा इसका। 43 का सही आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 32 π r³/3। 44 नंबर है
ये आपको दिया है 6, 8, 9 x और इसका माध्य 10 होता है, x का मान बताना है। तो इस सबको जोड़ के बटे में 5 से भाग करेंगे, इक्वल टू 10 रख के बना देंगे, तो 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 44 का बी हो जाएगा 14। 45 नंबर है, ये आपको इसमें माध्यिका बताना है, तो सबको लाइन से सजा देंगे, इधर 4 इधर 4, तो बीच में कौन सा बचा आपका। 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 16। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये 4 इधर और यहाँ से ये 4 इधर, तो बीच में 16 बच रहा है। 46 नंबर है आपका, इसका बहुलक क्या होगा, तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा है, देखिए 25 एक बार, 2 बार, 3 बार, 25 3 बार आया है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 46 का बी। 47 नंबर है, ये आंकड़ा दिया हुआ है, इसका परिसर निकालना था, तो आपको बोले ये आपको बहुत आसान है बनाना, जो सबसे बड़ा है उसमें से सबसे छोटे को घटा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है 32 और सबसे छोटा क्या है इसमें 6, घटा दिए तो 47 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 26। 48 नंबर है, वर्ग अंतराल दिया है और इसका वर्ग चिन्ह बताना है, तो इसमें क्या करते हैं दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, तो इसका 48 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 140। 49 नंबर है, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो ये कैसे जोड़ते हैं एक्स एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू ऐसे करके बढ़ते हैं, तो इसको जब सॉल्व करेंगे 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9। अगला सवाल है 50 नंबर, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो ये परिसर हो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 51 नंबर है, दो संख्याओं का मस 27 और लस 162 हो, इनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो ये आपको पता है मस गुने लस बराबर दोनों नंबर का m1, जैसे n1 इंटू n2, तो ये पता है दोनों को गुना कर देंगे और इससे इनको डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। 51 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 81। अगला सवाल है 52 नंबर, संख्याएं दी हैं इनका मस क्या होगा, तो देखिए तीनों किससे कट रही हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 52 का। 53 नंबर है, किसी धनात्मक पूर्णांक क्यू के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है, तो 53 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6q+1। 54 नंबर है, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है ना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि 22/7 क्या है, तो 22/7 यहाँ पे पाई तो पूछा नहीं है, यहाँ पे 22/7 पूछा है ना, तो 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 56 नंबर है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होगी, 56 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 57 नंबर है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो कौन बहुपद नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये बहुपद नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। 58 नंबर है, यदि पी एक्स और ये यदि पी एक्स बराबर क्यू और जी एक्स और पी एक्स का घात 7 और जी एक्स का घात 3 हो, तो ये इसका बताना है घात, तो इसका 58 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4। अगला सवाल है 59 नंबर, यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्य माइनस 2 हो, तो निम्नलिखित में कौन पी एक्स का एक गुणनखंड है, तो 59 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक्स प्लस 2। 60 नंबर है, यदि बहुपद के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान, तो ये तो बहुत आसान था, अल्फा इंटू बीटा का आपको मान बताना था, तो सी बाई ए होता है 1/1 हो जाएगा आपका, 60 का आंसर बी। 61 नंबर है, यदि भाग एल्गोरिथम ये है तो क्यू बराबर क्या होगा, तो इसमें 61 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 9। अगला सवाल है 62 नंबर, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा, तो 2 का घातांक कितना होगा आपका, 62 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2, ठीक है, 2 × 2 × 29, तो ये हो जाएगा आपका इसका घात 2, ऑप्शन नंबर ए। 63 नंबर है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो आपको इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 63 का डी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 12 को जब तोड़ेंगे तो ये क्या निकलेगा, 3√2 निकलेगा, सॉरी 12 को जब तोड़ेंगे आप तो क्या होगा, 2 × 2 और इंटू रूट ये 3 हो जाएगा, 1√2 बाहर आ जाएगा, तो ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 54 नंबर है, ये आपको दिया गया था, इसके रूप निम्नलिखित में कौन है, तो 64 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 64 का ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है 65 नंबर, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो इसमें आपको बताना है कौन है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि इसका 100 का 10 आ जाएगा बाहर, तो 10+10 जुड़ जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 65 का। 66 नंबर है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो आपको ये फॉर्मूला पे करना होता है, ठीक है, तो इस फॉर्मूला पे तोड़ेंगे जब, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 15/1600, ठीक है।
66 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 67 नंबर है दो धन पूर्णांकों ए और बी के लिए मसा गुणे लस बटा ए इंटू बी बराबर है, तो किसके बराबर होगा? 67 का सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 के, क्योंकि ये दोनों गुना करके उतना ही आएंगे, ऊपर मसा और लस और नीचे ये गुना करके उतना ही आएंगे, तो कट के दोनों एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 68 नंबर है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है, तो 68 का सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका 68 का बी हो जाएगा, 18 25। अगला सवाल है 69 नंबर, निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है, तो 69 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 21। 70 नंबर है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, तो 31 नंबर अभाज्य 31 है, ऑप्शन नंबर डी। 71 नंबर है ये आपको युगपत रैखिक समीकरणों के निकाय दिए हैं, अनगिनत हल प्राप्त हो सकते हैं यदि, कब होगा? तो ये आपका 71 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जब ये बराबर होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी। 72 नंबर है ये आपको त्रिभुज दिया था, इसमें एक्स का मान निकालना है, तो 72 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 11। 73 नंबर है इसमें भी आपको ये दिया गया था, क्षेत्रफल दिया गया था 81 49, तो इसमें ऊंचाई क्या होगी? तो 73 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर। 74 नंबर है एक चतुर्भुज समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, इसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो 74 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। 75 है दो समरूप त्रिभुज पी क्यू आर परिणाम क्रम से 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो इसमें पी क्यू आर 10, तो ए बी बराबर क्या होगा? 75 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। 76 है एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिमिति क्या होगी? 76 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12√3 सेंटीमीटर। 77 है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या अर्धवृत्त के कुल परिमिति होगी, तो 77 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, π+2 × 12 सेंटीमीटर। 78 है एक वृत्ताकार वलय की बाहरी एवं भीतरी त्रिज्या क्रम से r एवं r हैं, तो वलय का क्षेत्रफल होगा। 78 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 78 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, π r² - r² 78 का आपका सी हो जाएगा। 79 है किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर, तो वृत्त का व्यास क्या होगा? तो 79 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। अगला सवाल है 80 नंबर, दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना हो, तो उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा? तो 80 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 80 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3:2। तो 80 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 3:2। ठीक है, ये निकाल लेते हैं ना, π r² / π r² करके यहाँ से r निकालेंगे, तो ये 3:2 निकलेगा, और परिधि का होता है 2πr, तो 2π r1 / 2π r2 ये कट जाएगा, r1/r2, तो ये 3:2 ही रह जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 81 नंबर है ये आपको रूट में दिया था 1 - cos θ / 1 + cos θ, इसका वैल्यू बताना है, तो 81 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, cosec θ - cot θ। 82 नंबर, एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई एवं उसकी छाया की लंबाई का अनुपात ये दिया है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना है, 82 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 30 डिग्री। 83 नंबर है sec 30 डिग्री / cosec 60 डिग्री, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 83 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1। 84 नंबर है ये आपको, तो इस तरह का जो भी टफ सवाल आपको लग रहा था तो उसको तो छोड़ ही देना था, तो फिर भी इसका 84 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, 3। 85 है यदि cos α + β = 0, तो sin α - β क्या होगा? तो 85 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, cos 2β। 86 नंबर है बिंदु -2 और -5 का भुज क्या है, तो भुज एक्स वाले को कहते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, -2। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का वाई नियतांक होता है, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का वाई नियतांक 0 होता है, ऑप्शन नंबर 87 का सी हो जाएगा। अगला सवाल है 88 नंबर, बिंदु 3 - 4 किस चतुर्थांश में होंगे, तो किस में होंगे? इधर ±±±±, तो ये प्लस माइनस है, तो किस में होगा? यहाँ से गिनते हैं 1 2, तो ये आपका चौथे में आ रहा है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 88 हो गया। 89, एक्स अक्ष से बिंदु 3 5 की दूरी होगी, तो एक्स अक्ष से ये वाई है, ये एक्स है, तो एक्स अक्ष से दूरी ये वाला होगा, तो जो वाई पे वैल्यू होगा वही होगा, तो 5 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
90 नंबर है, मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी है, तो मूल बिंदु 0 0 से दूरी, तो फॉर्मूला ही रख देना आपको सीधा ऑप्शन नंबर 90 का बी हो जाएगा, एक रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 91 नंबर है, 1000 चक्कर लगाने में एक पहिया 88 किलोमीटर तय करता है, तो पहिए का व्यास बताना है आपको। तो ये पहले एक चक्कर निकालते तो वो परिधि निकलेगा, फिर वहाँ से आप निकाल लेंगे व्यास निकल जाएगा। तो 91 का सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखिए सी हो जाएगा, 28 मीटर। 92 नंबर है, कॉस 90 माइनस जीरो सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो 92 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साइन थीटा। 93 नंबर है, यदि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताना है आपको। तो यहाँ पे थीटा की जगह 45 रख देना है, तो कॉस 45 बराबर भी होता है 1/√2 और साइन 45 बराबर भी होता है 1/√2, ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या आएगा आपका, 93 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 0। 94 नंबर है, निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर होता है, तो किसके बराबर किसका मान होता है, 94 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोसेक 45 डिग्री। 95 नंबर है, यदि कॉस 32 डिग्री बराबर एक्स और कॉस 58 इक्वल टू वाई, तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है, तो 95 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। 96 नंबर है, यदि थीटा इक्वल टू 45 तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा का मान बताना है आपको, तो क्या हो जाएगा, 96 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3। अगला सवाल है 97 नंबर, साइन 42 डिग्री इक्वल टू पी, तो साइन 48 डिग्री का मान क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये साइन 42 डिग्री यहाँ पे कॉस 42 डिग्री के बराबर हो जाएगा, 97 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रूट अंडर 1 - p². 98 नंबर है आपका, यदि टेन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर 12/5, तो साइन थीटा का मान बताना है आपको, तो ये क्या हो गया आपका, टेन थीटा पी बाई बी, ये पी है ये बी है, साइन थीटा आपको बताना है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से एच निकाल लेंगे और साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, तो पी बाई एच कर देंगे, क्या हो जाएगा 98 का सही आंसर आपका, ऑप्शन नंबर 98 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 12/13, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे P क्या है 12 है और H आपका निकलेगा 13, तो ये 12/13 ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। 99 नंबर है, ये tan थीटा बराबर P बाई क्यू, तो यहाँ पे आपको इसका मान बताना है, तो 99 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। आखिरी सवाल है, 1 cot² θ × 1 - cos² θ, तो इसका सही मान सही वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1 हो जाएगा। तो ये आपका 100 के 100 ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, इसमें अगर कुछ आपको पूछना हो कुछ कहना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और इसको शेयर करिएगा मैं, ठीक है, और यही दुआ करूंगा कि आपका साइंस का पेपर और बाकी जो भी पेपर है वो और अच्छे से जाए, ठीक है, आपको 50 के 50 ऑब्जेक्टिव, मैं बार बार यही कह रहा हूँ आपसे कि 50 ही आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है ना, तो जो भी टफ है उसको छोड़िए, जो आसान लग रहा है उस सवाल को बना के आप OMR शीट भर के आइए ना, ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान से थोड़ा सा पेपर दीजिए, अच्छा एग्ज़ाम जाएगा आपका और अच्छा नंबर भी आएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।